अरे गए इकबाल खान, इकबाल खान चोर चोर सब लालपुर लगा का आजा पैसा मारा हुआ ऊंचो के। हम लोग प्रमोटरी से जुड़ा हुआ है, किसी भी गरीब मजलूम का पैसा लिया, हक हलाल का पैसा है, एग्रीमेंट के साथ लिए हैं, देना है, अल्लाह को कल मर के मुंह दिखाना है। हम लोग खुद चाह रहे कि हम लोग भी रिक्शा ठेला टान के अपना घर चलाए और इनलीगल काम को बंद कर दिया जाए। अब हम लोग खुद चाह रहे इनलीगल काम बंद हो जाए, जिसका पैसा हम लोग के पास है वो सगीर बाबा से जाके ले, ताकि काम वो बंद कराया। शहर कोलकाता में इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई नई बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और आबादी के सबब जगह कम पड़ता गया। 80 और 100 स्क्वायर फीट में 10 से 15 फैमिली मेंबर का गुजर बसर करना मुश्किल होता गया, जिसके सबब इलीगल कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से होता गया, मगर अब ये नासूर बनता जा रहा है। कोलकाता कारपोरेशन के मेयर फिराद हकीम कंस्ट्रक्शन मामले को लेकर सो कॉल्ड छोटे प्रमोटरों को फटकार भी लगा चुके हैं। कारपोरेशन की जानिब से बार बार दी जा रही है कि किरायादारों को परेशान ना किया जाए, मगर इसके बावजूद घर देने के नाम पर लाखों रुपए लेकर प्रमोटर बरसों परेशान कर रहे हैं। कहीं कहीं तो शिकायत ये भी है कि प्रमोटर पूरी रकम को ही हड़प चुके हैं। थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके लाखों रुपए देकर मकान खरीदारों का हाल मरता क्या ना करता वाला हो चुका है। ऐसी हालात में इनका सुनने वाला भी कोई नहीं है, जिसके सबब मिडिल और गरीब तबके के लोग सर पर हाथ धरे रो रहे हैं या तो फिर ऐसे प्रमोटरों को कोसते हाय बद्दुआ देते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही वाक्या नारकोलडांगा में पेश आया है, जहां सदका कायनात वारिस ने प्रमोटर ताजुद्दीन उर्फ टिंकू पर इल्जाम लगाया है कि 7.5 लाख रुपए लेकर 2020 से परेशान किया जा रहा है। ना तो उसे ये रकम दी जा रही है और ना ही फ्लैट दिया जा रहा है। वहीं शाहीन बानो उर्फ जूली ने इकबाल खान उर्फ चिकना इकबाल पर इल्जाम लगाया है कि आज 2.5 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है, 4 लाख रुपए देकर मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा सुनने वाला भी कोई नहीं। जबकि खुर्शीद आलम का कहना है कि प्रमोटरिंग के नाम पर 5 लाख रुपए उन्होंने दिया है। इन लोगों को फ्लैट के बजाय सिर्फ झूठे वादे और तारीख दी जा रही है। वहीं प्रमोटर इकबाल खान ने शगीर बाबा और इनकी बेटी पर जान से मारने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि नारकेलडांगा का सभी प्रमोटर शगीर बाबा को रकम देते देते परेशान हो गए हैं, रकम नहीं देने पर कोर्ट से रोक लगा दी जाती है। वहीं ताजुद्दीन उर्फ टिंकू ने इल्जाम लगाया है कि शगीर बाबा फिलहाल 10 लाख रुपए का डिमांड किया है। आइए सुनते हैं उनकी शिकायत उनकी ही जबानी। 1500 रुपए करके बुकिंग ताजुद्दीन को, टिंकू उर्फ टिंकू, उसका रियल नेम ताजुद्दीन है और उसको टिंकू बोला जाता है। बाड़ी वाले ने भी साइन किया है, प्रमोटर भी साइन किया, मगर मुझे घर नहीं मिला। उसमें घर में किसी और को कब्जा करके लोग बैठा के रखे। एक मिनट जी भाई, मैं नागर लांगा। 7.5 लाख दिया मैंने 2020 में। जी हाँ, पोजीशन देने की बात कब थी आप? पोजीशन मिलने वाला था, डेमोलाइज हुआ, 2 बार डेमोलाइज हुआ ऑर्डर था, फिर रिपेयरिंग किया उन लोग। पोजीशन मेरा दिखा चुका है 500 एरिया 3rd फ्लोर में, बट अभी तक का वो दिया नहीं है। वो किसी और को सुनने में आया, किसी और को ढुका दिया है। क्या बोल रहे हो? पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, गुंडा खेराज, गुंडा खेराज। अच्छा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, डायरेक्ट बोला नहीं देंगे। पुलिस भी तो कुछ सुन नहीं रहा है, काउंसिलर भी तो नहीं सुन रहा, और किसके पास जाएंगे हम लोग गरीब? किसके पास? शगीर बाबा के पास आते हैं तो उन लोग बोलता शगीर बाबा अगेंस्ट, गुल्लू लोग बोलता शगीर बाबा का मर्डर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कहाँ जाएंगे हम लोग का गरीब का? डायरेक्ट धमकी देता है काउंसिलर, रहता ही नहीं है, यही शिकायत है, काउंसिलर रहता ही नहीं। काउंसिलर रहेगा तब तो हम उसको बोलेंगे, अब तब पूरा मसला सुनाएंगे, वो तो रहता ही नहीं है। इलाके में नहीं आते, घूमते नहीं है? नहीं 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 घूमते, कुछ नहीं। वोट लेने टाइम में सब बाबू भैया खाला चच्ची सब, उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, इकबाल खान, इकबाल अहमद, सॉरी 29 नंबर वोट। जी हाँ जी हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं मेरे साथ इंसाफ हो, मेरा फ्लैट मुझको मिले। अच्छा, इस फ्लैट के सिलसिले में क्या पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखाने? जी हाँ, वो कुछ नहीं, वो उन लोग का टिंकू के अंडर में आते हैं ना, तो टिंकू पैसा देता है तो पुलिस उनका सुनता है, हम लोग का तो सुनता ही नहीं है। आपने जीडी किया वहाँ पे? सुनता ही नहीं है, बाहर से भगा देता है। ये तो मेरा पेपर यहाँ पे है, ये इल्लीगल बिल्डिंग है, वो लोग इल्लीगल बिल्डिंग बहुत, यहाँ पे भी एक इल्लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने भगा दिया आपको? जी हाँ। अच्छा, वो लोग कोई कंप्लेन नहीं लिया? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं लिया। क्या बोलते हैं वो लोग?
अपना समझो, उन लोग के पास तो पैसा डाला हुआ, सिंपल सा बात है, उन लोग पैसा डाला हुआ, उन लोग अपना क्या कागज है, आप बताइए कितना पैसा, 4 लाख दिए थे, कब दिए थे? दो साल से 3-4 महीना हो गया, 2 साल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहीन बानो, ऐसे सब जुड़ी जुड़ी बोलते हैं हमको। आप जो 2 साल हो गया तो आपको? 2 साल से कुछ नहीं, खाली तसल्ली दे, खाली बोल रहा, हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, इधर दे देंगे घर, उधर दे देंगे घर, खाली बोल रहा, अभी खाली बोल रहा, देख कंडरा इधर नाच रहे उधर नाच रहे, ले ले के हम परेशान, 6-6 महीने में घर खाली करवाता हमसे, 6-6 महीने में बोलता जाओ नहीं है, नहीं मिल रहा, क्या करेंगे, जाओ रहो रहो, 6 महीने में घर खाली करवाता, उसके 11 महीना, हाँ 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 वही दिया रहने के लिए, जी जी जी, जो बात सच है वही बोलेंगे, वही देता है, लेकिन घर नहीं दे रहा, खाली इतना अभी हमको मेरा अपना घर मिल रहा, अभी पैसा मांग रहे, दो हमको पैसा दो, नहीं देने मांग रहा, और हम बाबा के पास आके बोला, बाबा बोली दे दे उसका घर, वो गरीब आदमी, उसका मियाँ शुगर वाला बीमार रहता है, वो परेशान है घर के लिए, इधर से टोकरा कर रही है, हम घर का बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है, खाली हमको तसल्ली देता रहता है, दे देंगे अभी कल भी हमको बोल रहा है, अरे गए इकबाल खान चोर सब लाल पर लगा का आधा पैसा मारा हुआ, वो चोर, उसका नाम इकबाल खान, चिल्ला इकबाल, हम बाबा को बोला तो बाबा उसको जला तो बोली दे दे गरीब आदमी उसका पैसा, तो उसको तो वही जलन वही खान निकाल रहा, वो बाबा से बाबा हमको मानते ज्यादा है ना, हमने तसल्ली, मेरा मैया मैया मोहब्बत करते हैं, गरीब है भाई, चलो उसका सहारा दे दे, आपका पैसा रुका हुआ है, हाँ 2 साल से पैसा, 2 साल से और ज्यादा हो गया, 3-4 महीना हो गया, काउंसलर को क्यों नहीं जाकर के बोल रही, जब मसला देखिए एक बात बोले, जब मेरा बाबा ही मसला कर देता है, हम लोग हमेशा हल उन्हीं से हो जाता है, तो हम लोग मेरा घर का मेरा अपने आएंगे, हम लोग हर काम करते हैं, हर दुख में मेरा साथ देते हैं, तो हम उन्हीं के पास आ गए कि मेरा बाबा मेरा काम निकाल देंगे, मेरा बाबा मेरा कर देंगे, बहुत सा मसला हल किए हैं, मेरा काम 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 निकालने का पैसा भी लेते हैं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उनके अंदर तो यही लालच, उनका क्या चीज का कमी है, वो तो खुद बगान का मालिक, इतना बड़ा प्रॉपर्टी उनका है, वो तो खुद दूसरा को देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, खुद देते हैं, बाबा सगीर, हमारा मसला ये है कि मैं इकबाल खान को एजेटेड लोन दिया था 5 लाख रुपया, तो जिसमें से 2019 में मैंने दिया है, वो आजकल करके 2-4 महीना करके, हाँ 2-4 महीना ऐसे टाइम ले लेके लास्ट में वो अभी तक हमको पैसा दिया नहीं है, इसके लिए हम आप लोग से 5 लाख रुपया दिए, 2019 में दिया था, लेकिन जब उसको मैंने ये किया तो इसका कागज बनाया, तो कागज में वो साइन वन किया कि ठीक है हम पैसा आपको 2 महीने के अंदर रिटर्न कर देंगे, लेकिन 2 महीना गुजर गया अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमको शासन के इकबाल खान को नहीं एक साथ दिया, एक बार 5 लाख रुपये दिया था, उसको काम करने के लिए दिया, बोला था कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, काम करके तुमको हम उसके एवज में आपको क्या देता, 5 लाख दिया था, तो बोला था हाँ बोला था देंगे, लेकिन दिया नहीं, और आपका जो 5 लाख दिया है वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, क्या बोलते हैं अभी, वो अभी बोलते हैं कि ठीक है देंगे, हम देंगे देंगे बोलता है, लेकिन अभी कब देगा तो उसका तो कोई ये नहीं, इकबाल खान खुर्शीद आलम। बात ऐसा है कि हम लोग प्रमोटरी से जुड़ा हुआ है, किसी भी गरीब मजलूम का पैसा लिया, हक हलाल का पैसा है, एग्रीमेंट के साथ लिए हैं, देना है, अल्लाह को कल मर के मुंह दिखाना है। यहाँ पे सगीर बाबा उर्फ पिल्लू सगीर बाबा, वो काम को बंद करा के इंस्ट्रक्शन मनी अगर मांगता है तो हम लोग का कॉस्टिंग बढ़ता है, हम लोग कहाँ से गरीब आदमी को देंगे, नहीं देने पर वो हाईकोर्ट करके काम को बंद कराता है, पुलिस को हैरेसमेंट करता है, DC में कागज देता है, हम लोग का नाम में केस करवाता है, 401A करवाता है, हम लोग जाके कोर्ट से बेल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस्टिंग काम का बढ़ता है, हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग काम के लिए परेशान होते हैं, और इसके बाद क्या होता है, हम लोग डिफॉल्टर होते हैं, वो एक बार 20-25 लाख मांगेगा तो आज के डेट में काम में कोई कमाई है नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से इनलीगल काम ही बंद करवा दिया जाए, जिससे जो आम पब्लिक में दहशत फैला हुआ है, ये क्रिमिनल लोग जो आज 60 बरस की उम्र में बोलता है चापड़ छुरी चला के हम पैसा लेंगे तो तुम्हारा बीवी बच्चा को भीख मंगवाएंगे, तो ये सब क्राइम खत्म हो जाए, हम लोग खुद चाह रहे कि हम लोग भी रिक्शा ठेला टान के अपना घर चलाए और इनलीगल काम को बंद कर दिया जाए, अब हम लोग खुद चाह रहे इनलीगल काम बंद हो जाए, जिसका पैसा हम लोग के पास है वो सगीर बाबा से जाके ले, कहा कि काम वो बंद कराया, आज अगर वो सही रहता तो आज अपना बेटी बीवी बहू को नाक पना के भाड़ा का औरत लोग को नहीं रहता,
हम लोग फरन में फेस कर रहे हैं। आज ये लेके मेरा 3 मीडिया हो रहा है, हम फरन में फेस करके बोल रहे हैं कि सगीर बाबा हम लोग को बर्बाद कर दिया, हमको जान मारने का धमकी दिया, हम प्रशासन को मदद दिए, सब जगह हमारा कागज जमा है, ये सीपी में सगीर बाबा का बेटी ने मुझे जान मारने का धमकी दिया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना रहे हैं। प्रूफ के साथ किसी को हम लोग को फंसाना नहीं है, हक और नाहक का फैसला तो पब्लिक करेगा। मेरा बैड रिकॉर्ड, मेरा थाना में आके रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरा रिकॉर्ड क्या है। हम लोग काम करने वाले बिजनेसमैन है। आज एक सगीर बाबा वो काहे नहीं मीडिया के सामने आ रहा, घर से काहे नहीं नीचे उतर रहा, आज बहाड़ा का औरतें को ला के मास्क बना के सामने क्यों खड़ा कर रहा है। हम लोग को जब आप बोलिए 24 घंटा हम लोग प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, घर का जेवर महाजन से कर्जदार हो चुके हैं, हम लोग परेशान हैं। परेशान ये पैसे क्या सगीर बाबा आपसे मांगते हैं, जब जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन हम क्या जो करेगा उसको वो खराज देने होगा, नहीं तो वो काम बंद करा देगा उसका। तो बोलते हैं लोगों का मदद करते हैं, वो मदद करते हैं, कोई गरीब आता है तो उसको मदद करते हैं, 2,000 कंबल बांटते हैं, फिर उसके बाद खाना तकसीम करते हैं, ये सारी चीजें। वो अगर सच्चा ईमान वाला है, वो बाबा है, तो वो कुरान शरीफ लेके बोलेगा कि हम अपना पैसा से सब बांटते हैं। वो चंदा करवाता है, गरीब को ऊपर जुलुम करवाता है। हम बुरा पास अभी बिल है जो उसको फरवरी में जो कंबल बांटा था उसका पूरा वीडियो हम दिखा रहे, कंबल जो बांटा था फरवरी में हम अपना हाथ से हमसे बटवाया था, हम कंबल उसको लाके दिया था 18,000 रुपया का, उसका बिल है मेरे पास में, चोरा मार्केट से हम लाए थे सस्ता में। साड़ी लाता है रमजान में, प्रमोटर लोग को बोलता है पैसा दो नहीं तो काम बंद करा देंगे, वो साड़ी बांटता है, नाम करता है, उसका अपना क्या बिजनेस है, अपना क्या है जो गरीब कितना बांटेगा। कभी बोलता है कि हम पुरेश पाल का धमकी देता, मगर पुरेश दा को कोई चीज मालूम नहीं है, हम लोग का नेता को कुछ नहीं मालूम है, कभी पुरेश पाल का धमकी देगा, कभी ये लीडर का धमकी देगा, और वो अपने बाबा ही करेगा। अरे हम लोग जिस तरीके से खट रहे, अब तो हम खुद बोल रहे कि इनलीगल काम प्रशासन से हम बोल रहे कि बंद करवा दें, ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग अमन शांति का फेवर में, हिंसा का खिलाफ में। क्या सगीर बाबा प्रमोटरों को भी एक तरह से धमकी ये टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके वजह से आप लोग इनलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना चाह रहे हैं? अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को इनलीगल काम नहीं करना है, लीगल प्लानिंग काम होगा तो करेंगे, इनलीगल काम में गुंडा खिराज देगा, गुंडा को बढ़ावा नहीं देंगे। सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं आपसे मीडिया के सामने, और हम लोग अपना इलाका में अपने के बाद में जो जनरेशन आएगा वो अमन और शांति के साथ में रहे, क्राइम से दूर रहे। हम लोगों को सपोर्ट करते हैं सगीर बाबा, कुछ प्रमोटर जो है आपका नाम है उसमें और भी लोगों का नाम दिया गया है, कि ये लोग जो हैं लोगों का पैसा लेकर के रखे हुए हैं, जिसको इंसाफ दिलाने का काम किए हैं सगीर बाबा। एक बात हम क्या बोले, हम लोग पैसा लेते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। अब कुछ आदमी को आप हर औरती को घर में हड़िया छुड़ा कर ही मालूम नहीं है कि ये काम कौन बन कराया, ये काम किसका जरिए बन हुआ, कौन कितना पैसा मांग रहा है। हम लोग पैसा दे के भी चोर का तरह बोलते हैं कि आपको पैसा नहीं दिया। हम लोग इनलीगल काम नहीं कर रहे, हम लोग एक तरीके से शराब बेच रहे हैं, शराब बेचने वालों को मुंह बंद रखने होगा। तो अब हम लोग क्या हुआ, हद से ज़्यादा हो गया हम लोग साथ में, तो उस शरीफ औरत को वो लोग को कुछ मालूम नहीं है। आप एक कम्बल देके उसका दिल जीत लीजिएगा, हम पूरा घर देके दिल जीत सकेंगे उसका। तो सगीर बाबा क्या हुआ, कम्बल दिया, साड़ी दिया, हम लोग का पैसा से दिया, ये औरतों को नहीं मालूम है, वो लोग शरीफ घरेलू औरत है, वो लोग को मालूम नहीं है। आप कुछ औरतों को भाड़ा में वो लेके आया है पैसा दे के वो बुलाने के लिए, हम लोग अपने घर का औरतों को नहीं लाया, हम लोग परेशान है, मजलूम है, हम लोग अपना बयान मीडिया के प्रशासन के सामने रखने चाह रहे हैं। उसका आदत है, उसके पास में अगर वो खुद रहता तो आज मीडिया में फेस करता, मास्क लगा ला के औरतें लोग आई हैं, नारकुल डांगा का औरतें रहेगी तो वो खुद सामने फेस करेगी, उसका घर कराएगा तो बिना मास्क का फेस करेगी। मास्क लगाई पर्दगी है वो, ठीक है, कोरोना खत्म हो गया, बोलने का मतलब है एक कभी आप एड्रेस ले लीजिए कि वहाँ का नहीं है, सिर्फ उसका बेटी होगी तो वहाँ का होगी, उन लोगों का फेवर में कोई नहीं है। बात ऐसा है कि पुलिस सबके लिए है, ये बीच में हम बोल नहीं सकते, मेरा हक नहीं है, पुलिस सबके लिए, पुलिस भी हक और नाहक देख के बोलेगा, जो सही होगा पुलिस अपना एक्शन लेता है। अभी हम क्या बोले, पैसा जिससे भी लिया, कागज बना हुआ है, काम चालू होगा, जगह देंगे, न जगह नहीं रहेगा हम लोग काम नहीं करेंगे तो उसको पैसा देंगे, टाइम लेंगे, किसी गरीब बंदे में तो हाय बोल दो हम क्या पैसा का दे रहा है, तो ये कहाँ का इंसानियत है कि आप कह रहे हैं कि
नहीं हम पैसा नहीं देंगे, नहीं मेरे पास पैसा, जो का जो बिगाड़ना है। ये झूठ बात है, आज हम तो मीडिया के सामने में बात कर रहे हैं ना कि एग्रीमेंट बना हुआ है, ये एक एलिगेशन लगाया जा रहा है, इससे हमको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या कि हम गलत नहीं है, हम देने के हालत में हैं, फ्लैट देंगे, घर देंगे। और आप तो अब ये बोल रहे हैं कि जो जिस रोजी रोटी से हम लोग का घर चल रहा है उसको हम खुद बोल रहे बंद कर दीजिए। इस तरीके से परेशान है कि हम, मेरे को जान मारने का सगीर बाबा का लड़की जो बोल रही है कि जो करना कर लो पैसा नहीं देंगे, उसके पास ये प्रूफ नहीं, मेरे पास प्रूफ है। अभी तो मीडिया सामने बोले जिसका भी पैसा है, हमारा काम हो नहीं हो हमको 2 महीना 3 महीना टाइम मिलेगा, मीडिया का सामने हम पूरा पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। प्रशासन का सामने हम थाना में पैसा वापस कर देंगे। मगर वो लड़की को बोलिए कि हम किसके सामने बोला है, मेरा उसका लड़की का जान मारने का धमकी दिया हुआ, मेरे पास में प्रूफ, ऐसा प्रूफ हमको दिखा दे, हम मान लेंगे उसको। आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए ऑडियो में उसका बेटी क्या बयान दे रही है, जो बेटी आपको बोल रही है। देखो तो मालूम होना चाहिए फोन किसने देखे, हमको पता भी नहीं है। हमको अभी मतलब मेरा दोस्त ब्रांच में है, फोन को लिंक भेज के देखते हैं आपका बारे में कागज होता, हम सो के दवा खा के बुखार से देखे या नहीं, कौन किस से देखा है, कौन बोली से? नाम देखे किसका किसका है? उल्लू इकबाल नौसाद इमरान। ये सामान किस सामान की बात कर रही हो? जो ते बोल रही है सामान तुझे दिए मैं तो मांग नहीं सके, कहा है कोई बात कांड होगा का? हम दूसरा लड़का से कांड कराएंगे, हम खुद थोड़ी करेंगे, का लड़का लोग से करवाएंगे, ते हमको दे दे। अच्छा सामान से पैसा देखो दे देंगे, जितना बोले उतना देंगे, ठीक। फोन कर दे हमको, फोन दे पहनाएंगे इकबाल को, अन्या बनाया हम सगे में यहाँ बच्चा ने, कब तक देगा फोन, कब तक करेगा फोन उठाएगा? हाँ जी हम फोन कर देते दे, थोड़ा देर में हम तेरी को कॉल किया, हम तेरी को कॉल कर किसी को कॉल नहीं किया। अच्छा तो हम भैया भाई को कॉल किया, पूछा है कि क्या हुआ, तेरे चूड़ी पहन लिया, फोन ठंडा हो गया, बोला पापा का सिग्नल नहीं मिला, बोला पापा सिग्नल देगा तब कांड करेगा, पापा को ऊपर चार्ज करके लोग निकल जाएगा। ठीक है रख, हम फोन कर लेते को आएंगे 1 बजे। पापा सगीर में ये जो सामान देने की बात कर रही है, ये क्या किस तरह का सामान और किस? ये बंदूक मांग रही है। अच्छा हमें मारने के लिए कि उसको फिनिश कर दूंगा। अब आप एक बात बोलिए, जो बोल रही है कि पैसा नहीं देंगे जो करना करूंगा, उसका एग्रीमेंट मेरे साथ है, जिसका एग्रीमेंट है वो मेरे पास आएगा। सगीर मियां का लड़की का तो एग्रीमेंट मेरे साथ नहीं है, वो ये बात बोल रही है, तो ये तो आंख को हवा दे रही है, इसका झगड़ा हमसे नहीं है, पूरा प्रमोटर का झगड़ा सगीर मियां से। वो चाहता है कि जो काम करेगा हमको पैसा चाहिए, नहीं देगा हम हाईकोर्ट करवा देंगे, काम बंद करा देंगे, हरेसमेंट करेंगे, परेशान करेंगे। ये लिस्ट देख लीजिए, इसमें जितना से वो पैसा लिया पूरा बायकाटा जरम पुलिस का सब पैसा है, देख लीजिए प्रमोटर बायकाटा। आप एक काम कीजिए, ये लिस्ट ले जाइए थाना में, जितना प्रमोटर सब जाएगा, वो पैसा के बारे में बोलेगा, आप कांटेक्ट करें। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या आने वाले कल में सगीर बाबा के खिलाफ जितने सारे प्रमोटर है नाकेडांगा राजा बाजार के सब एक में एकजुट होंगे? प्रमोटर क्या करेगा नहीं करेगा वो छोड़ दीजिए, हम लोग इससे आजीज हो गए हैं। आज हम लोग 2 शख्स घर से निकले हैं, इकबाल खान और मोहम्मद ताजुद्दीन, हम लोग इससे परेशान हो गए हैं। आज अब हम लोग अपना धंधा को बंद करने में उतर गए हैं, घर का 25-30 लाख रुपए का हम लोग कर्जदार हो गए। हम आपको क्या बोला, 3 महीना 4 महीना का टाइम लेंगे, मीडिया के सामने सबका पैसा वापस कर देंगे, हम लोग काम बंद कर देंगे मगर जुर्म को बढ़ने नहीं देंगे। आज एक आदमी एक बाबा का चोला पहन के संसार में है, हम लोग कोई तकलीफ नहीं, आप अपना जगह में अपना जगह, और भी तो बाबा दुनिया में है, किसी के ऊपर इतना बड़ा रिलेशन नहीं लग रहा। उसका लड़की बोल रही है कि हम पैसा इकबाल खान बोला हम नहीं देंगे, उसका बेटी से तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, मगर उसका बेटी देने में मारने का धमकी दिया, उसका एविडेंस मेरे पास में है, आप उसका बेटी से सवाल कीजिए। हम मीडिया के जरिए अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, हम हर आवाज अपना हम ये लेकर 3 से 4 बार हम मीडिया में आ चुके हैं। क्या पुलिस स्टेशन में इसकी हकीकत आपने वहां बयान की है? हमारा प्रशासन जीडी डाला है, किस तरह से सब मेरा किया हुआ है, सब मेरा किया हुआ। अब वो मेरे एगेंस्ट में भी जाएगा, वो मेरे एगेंस्ट में भी कंप्लेन करेगा, वो सातिल आदमी है, वो बैठक बाज आदमी है,
वो अभी बोल रहा है कि हम 70 वर्ष की उम्र में घर में लेटे हुए हैं, घर में लेटा हुआ नहीं, वो दिमाग खटा रहा हमको मर्डर कैसे करवाएगा, हम अभी भी अनसेफ है, सेफ नहीं। नहीं, हम लोग ये बिजनेस को कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, हम बंद कर दिए, मेरे हम 5-6 बिल्डिंग बनाए हैं, 4 बिल्डिंग उसमें हम प्लान सेंशन करके बिल्डिंग बनाए हैं। एक बिल्डिंग था वो सगीर बाबा 3x1 में कंप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है उस बिल्डिंग पे, ठीक है, हमको सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दिया, वो केस करके हमसे पैसा खाया था, 18 लाख रुपया कैश दिए हम, ठीक है, और एक बिल्डिंग में उसको 500 स्क्वायर फीट जगह दी, तो वो बेच के पैसा उठा लिया सगीर बाबा, ठीक है, और उसका अज्जू और उसका क्या नाम है अजरुद्दीन, उस बिल्डिंग में भी हम लीगल बिल्डिंग है मेरा, उस लीगल बिल्डिंग का ऊपर में भी 700 स्क्वायर फीट जगह और 18 लाख रुपया कैश वो लिया है, ठीक है, उसका कोई तो हम लोग जो आपको घूस रुपया देते हैं वो तो हम लोग बोल नहीं सकते, वो कंप्लेन करके मेरा काम बंद करा देगा, उसको कुछ छिपा के रखने होगा, कौन पैसा किसको दिया जाता है सब तो बोला नहीं जाता है, मीडियम के जरिए से हम सबको जानने चाह रहे हैं, आज सगीर बाबा को हम लोग पैसा देने का हालात में नहीं है, आज हम लोग सगीर बाबा को पैसा देंगे नहीं, हम लोग को बर्बाद होने पड़े तो हो जाएंगे मगर हम सगीर बाबा को इसके बाद आज पैसा देंगे नहीं। रिसेंटली कितना पैसे का डिमांड सगीर बाबा ने किया आपसे? अभी रिसेंटली 10 लाख रुपया का डिमांड किया है, हम मेरा पास उसके एविडेंस है, हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, अभी बोलिएगा तो हमको 2 मिनट का टाइम मिलेगा तो हम उसको बुला के हम आप लोग के सामने एविडेंस दिलाएंगे, एकदम मेन प्रूफ जिससे वो खबर देके जिसके जरिए से रुपया ले जाता है वो प्रूफ हम अभी दे देंगे।